जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। अयोध्या राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, इट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ न्यू इंडिया हैविंग बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न वैल्यूज। खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहाँ रस्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। Another heroic mission at sea by personnel of the Indian Navy, this time the Indian Navy warship and a long-range maritime patrol aircraft provided aid to a Bangladeshi cargo vessel. उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुम्बकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। से पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। आप देखें ना, चाइना मिडिल ईस्ट में गया तरक्की का ख्वाब लेकर तबाह। यस, चाइना सीपैक पे आया, इधर अब जनाब एक खबर जो है वो हर जगह पर फैली हुई है और आग की तरह फैली हुई है, और जो हमारे एटमी असासे हैं उनका सौदा कर लिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुआहदा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेशी जहाज एमबी अब्दुल्ला को निशाना बनाने वाले समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारतीय नौसेना ने कड़ी कार्रवाई की है। यह जहाज मोजम्बिक से यूएई जा रहा था जब समुद्री लुटेरों ने इस पर अटैक किया। हालांकि इंडियन नेवी ने एमबी अब्दुल्ला जहाज को बचाने के लिए एक युद्धपोत और एलआरएमपी एयरक्राफ्ट की तुरंत तैनाती की। इस कार्रवाई के बीच 12 मार्च को एमवी अब्दुल्ला का पता लगाया जा सका। हालांकि इसके क्रू मेंबर से शुरुआती संवाद विफल रहा। 14 मार्च को नौसेना की वारशिप और एयरक्राफ्ट की कार्रवाई सफल रही। भारतीय नौसेना ने बांग्लादेशी जहाज को बचाने के लिए खास प्लानिंग तैयार की। इस मिशन के लिए नेवी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के तहत युद्धपोत की तैनाती की। इसके लिए नेवी ने वॉरशिप का रास्ता भी बदल लिया था। जैसे ही भारतीय नौसेना ने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट को एमबी अब्दुल्ला की तलाश में लगाया तो 14 मार्च की सुबह इस जहाज से संपर्क हो गया। इस एक्शन में हथियारों से लैस समुद्री डाकू की ओर से बंधक बनाए गए एमबी अब्दुल्ला जहाज के चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जय श्री राम मिस्टर प्रेसिडेंट फ्रॉम भारत। टुडे आई वांट टू हाईलाइट हाउ द राम मंदिर ब्रिजिंग फेथ हेरिटेज एंड हार्मनी। 22nd जनवरी 2024 मार्क्स अ हिस्टोरिक डे इन इंडियन हिस्ट्री। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ विश्व गुरु इन द स्फीयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड विद अचीविंग न्यू माइलस्टोन इन वेरियस डोमेन्स सच एज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, ये खबर है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, इंडिया नेवी जिस तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करती नजर आ रही है और इंसानों को बचाती नजर आ रही है, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या शुक्रिया अदा करना चाहेगी या इसके ऊपर जो भी सोच रखती है पब्लिक से जानेंगे। इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकों से बचा लिया कुछ दिन पहले। भाईजान, बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीजें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखता है? उनका बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामले चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स ऑल, इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग हम अगर कर भी ले, हाँ, नो डाउट
फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खत्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी और ये कोयला लेके जा रही थी मोजम्बीक की तरफ, फ्रॉम मोजम्बीक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रेड सी एरिया, और ये जो सारी है, एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड इट रीचेस टिल ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टरडम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है,